समय आप लोगों के जीवन में प्रभु शांति दे। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन ऑफ पावर मिनिस्ट्री की ओर से आप लोगों को वेलकम है इस सुबह की प्रार्थना में। तो आप लोग कैसे हैं? तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और उस जीते खुदावन को धन्यवाद बोलेंगे जिसने हमें संभाला और अपनी करुणा के लिए प्रभु जी एक बार फिर आपने मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा और सच्चा और मीठा नाम है। यीशु आप जैसा कोई नहीं है मेरे खुदावन। मैं आपको धन्यवाद स्तुति देती हूँ इस सुबह के समय। यीशु के नाम में ही मुक्ति है, यीशु के नाम में ही शक्ति है, यीशु के नाम में ही शांति है, यीशु के नाम से ही हम चंगाई पाते हैं। यीशु का नाम जो हमें बंदगी देता है, उस नाम को ऊंचा करें अपनी जिंदगी में। अपने होठों से जय जयकार की स्तुति की भेंटों को आज चढ़ा दीजिए प्रभु के समीप, क्योंकि प्रभु यीशु हर रोज हमें संभालते हैं। हर रोज की करुणा भोर और एक नया दिन हम सबके जीवन में दे देते हैं। उस जीवते खुदावन को हम सब मिलकर धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हालेलुया हम लोगों से बहुत प्रेम करते हैं। उनका वायदा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। उस वायदे के लिए उस जीवते खुदावन को धन्यवाद बोलिए। उनके प्रभु यीशु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, महिमा कीजिए, क्योंकि प्रभु को छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो आइए हम सब बोलेंगे कि प्रभु यीशु हमारे सब श्रापों से, सब गरीबी से आज हमें छुड़ा लीजिए। आज आप हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। आप हमारे मार्ग हो प्रभु जी, हम सही मार्ग में चलने पाए, हमारे लोग प्रभु जी सही मार्ग में चलने पाए, वो डगमगाने वाले ना हो, परंतु प्रभु जी सच्चाई और ईमानदारी का झिलम पहनकर और आपके रास्ते पे चलने वाले हो मेरे प्रभु यीशु, क्योंकि आप जीवन की रोटी हो, अमृत का जल हो प्रभु, आपकी भरपूरी है। जो प्रभु इस रोटी को खाता है वो कभी भूखा नहीं होता है, जो इस अमृत जल को पीता है वो कभी प्यासा नहीं होता है प्रभु। तो आज की करुणा हमारे लोगों पे दीजिए, अपनी अपनी हालेलुया अपना अनुग्रह हमारे लोगों पर दे दीजिए प्रभु जी। अपना मस्सा हमारे लोगों पर उंडेलिए। हालेलुया। ओ प्रभु यीशु आप महान परमेश्वर हो, आपकी दया आपकी करुणा सदा की है मेरे यहोवा। आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। इस वायदे के लिए मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ, आप हमारे लिए प्रभु जी क्रूस पर कुर्बान हुए मेरे यहोवा, ताकि हम सबको जीवन मिल सके, हम सबके लिए प्रभु स्वर्ग का रास्ता खुलने पाए। और आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा का सहायक दिया, उस सहायक के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद स्तुति करती हूँ। वो सहायक हमेशा हमें संभालता है, हमें प्रार्थना करना आराधना करना सिखाता है। वो सहायक के लिए मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आपका पवित्र लहू, आपका पवित्र लहू मैं अपने लोगों पर लगाती हूँ प्रभु जी। वो लहू जिसमें हालेलुया चंगाई है, वो लहू जिसमें शांति है, वो लहू जिसमें शिफा है, वो लहू जिसमें उद्धार है। ओ प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू हर एक लोगों पर मैं यीशु के नाम से लगा देती हूँ सुबह के समय। मेरे यहोवा आज आप अद्भुत कार्य कीजिए, आप आज अद्भुत कार्य कीजिए। हालेलुया हालेलुया मेरे यहोवा आपको धन्यवाद स्तुति हो मेरे प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, आपका अनुग्रह से प्रभु जी आज आप हमारे लोगों को ओ प्रभु नई नई शिफा से भरिए, नई करुणा से भर दीजिए। यीशु नाम की जय जयकार हो, यीशु नाम की जय जयकार हो। यीशु नाम सबसे ऊंचा और मीठा नाम है, यीशु नाम में चंगाई है। हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया। ओ मेरे यहोवा आप महान परमेश्वर हो, आप महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आपका वायदा
हमारे जीवन में प्रभु जी, हालेलुया, हमेशा पूरा होता है मेरे प्रभु जी। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। अपनी आशीषों को आप हमारे लोगों पर देते हैं प्रभु जी, अपनी चंगाई से भरते हैं, आपको धन्यवाद हो। आत्मा की चंगाई देते हैं, आपको धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा, हालेलुया, पवित्र आत्मा का आशीष और वरदान देते हुए मैं आपको धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आपको आदर और महिमा करती हूँ प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो, आपको धन्यवाद हो। आप सारे जगत के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हो, आप अनंत जीवन देने वाले परमेश्वर हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो प्रभु जी, आप हालेलुया राजाओं के राजा हो। सारे जगत में प्रभु जी आपके द्वारा ही उद्धार को पाएंगे हर एक जाति और कुल के लोग मेरे यहोवा। हालेलुया, आपको धन्यवाद स्तुति हो। ओ प्रभु यीशु, आपने कहा कि जो विश्वासी होंगे वो मेरे साथ जिलाए जाएंगे। आपको धन्यवाद स्तुति हो मेरे यहोवा, आपको धन्यवाद हो। यीशु का नाम कितना आनंदमय नाम है। उस जीवते खुदावन को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद बोलिए, प्रभु की तारीफ कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए। तारीफ हो प्रभु जी। आज हमारे लोगों से हर एक नेगेटिविटी को मैं यीशु के नाम से डिस्कनेक्ट करती हूँ, उनकी लाइफ से। हर एक चीज जो उनको डिस्टर्ब कर रही है मेरे यहोवा, उन चीजों को मैं यीशु के नाम से दूर करती हूँ मेरे प्रभु जी। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर जाएंगे और देखेंगे कि सुबह के समय वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबको सालोम कहता हूँ। शांति सुबह के समय में बोलता हूँ। आज आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए आइए हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करता है। तो आइए हम अपने बाइबल को निकाल लेते हैं और पढ़ते हैं भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 में लिखा है, साम 121 और लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए मेरे प्रिय लोगों। प्रभु आज इन वचनों के द्वारा आप सबसे आप बोले और बातचीत करें और आप सबको आशीष दे। परमेश्वर का वचन सामर्थी है और वो अपने वचन में जो कहता है वो करता है। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष करे और लगातार परमेश्वर के वचन में आप बने रहिए और प्रार्थना में बने रहिए ताकि प्रभु आपको आशीष करे। तो परमेश्वर के लोगों, प्रभु आज कहता है कि तुम्हारे आने जाने में प्रभु तुम्हारी रक्षा करेगा और जहां जहां जाओगे प्रभु आपके साथ रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के दिन प्रभु आप सबके जीवन में भलाई कार्य को करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको सुरक्षित करने जा रहे हैं हर एक बीमारी से और जो जो सहायता को चाह रहे हैं प्रभु से उनको परमेश्वर सहायता देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनको आज उनके काम में सहायता दीजिए, उनकी नौकरी में, बिजनेस में सहायता दीजिए और परमेश्वर उनके परिवार में, उनके बच्चों के जीवन में सहायता दीजिए। सेनाओं के यहोवा, आपकी सहायता को मैं मांगता हूं। आपके बेटे और बेटी के जीवन में महान कार्य कर दीजिए मेरे पिता। ना तो बल से होगा ना शक्ति से होगा, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। छू लीजिए परमेश्वर और महान कार्य कीजिए। प्रभु यीशु, आपकी सहायता को मैं मांगता हूँ। सामर्थी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु और तारणहारा परमेश्वर आप हो पिता। आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। आपका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है।
पवित्र नाम है, सामर्थ्य नाम है। अपने लोगों को संभालिए और आशीष कीजिए प्रभु, और परमेश्वर पूरे दिन उठा के लेके चलिए, तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु सबको बहुत आशीष करे प्रिय परमेश्वर के लोगों, में विश्वास करता हूँ प्रभु में आप लोग आनंदित और खुश होंगे आज, और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जब भी इस प्रार्थना को सुनते हैं आप शेयर करना ना भूलिए, और अगर नए हैं इस चैनल पे, आपने पहली बार इस प्रार्थना को सुना तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने लोगों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि सपोर्ट मिले हमें इस चैनल में। और लाइक कमेंट करना ना भूलिए, जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में प्रभु के क्या अनुभव है, और परमेश्वर आपको आशीष करेंगे, आपको चंगाई देंगे। अगर कोई गवाही है तो वो भी हमें लिख के बताइए, ताकि प्रभु में हम और आगे बढ़े। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबके जीवन में भलाई कार्य करे। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष करे।